क्रिकेट की बमचक इज प्रेजेंटेड बाय हाउस एट इन एसोसिएशन विद 5paisa.com। पंजाब किंग्स की टीम नाम बदलकर आईपीएल सीजन 2021 खेलने उतरी है, लेकिन नाम बदलने के बावजूद केएल राहुल, क्रिस गेल जैसे बड़े स्टार्स वाली इस टीम के फैंस के लिए ये साल आईपीएल में बहुत अच्छा जाता नहीं दिख रहा। चल दूसरा कुछ तो लगा उसकी। अरे दूसरा हद दे। हाउस एट पे बनाओ यूवी से बेटर टीम। ओए ओए क्या कर रहा है? तेरी टीम चेक कर रहा हूँ। और जीतो 5 गुना रिवॉर्ड। तो बेटा हाउस एट? हाउस एट? दिस गेम इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। टीम ने पहले 6 मैचों में सिर्फ 2 जीते हैं और 4 गवा दिए हैं, लेकिन आखिर पंजाब की टीम इतना क्यों हार रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। राहुल पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। पंजाब किंग्स का मैच नंबर 1 केएल राहुल 91 रन, टीम 221 रन। पंजाब किंग्स का मैच नंबर 2 केएल राहुल 5 रन, टीम 106 रन। मैच नंबर 3 केएल राहुल 61 रन, टीम 195 रन। मैच नंबर 4 केएल राहुल 4 रन, टीम 120 रन। मैच नंबर 5 केएल राहुल 60 रन, चेज में टीम 132/1। मैच नंबर 6 केएल राहुल 19 रन, टीम 123 रन। ये कहानी है पंजाब किंग्स की कप्तान केएल राहुल पर टीम के डिपेंडेंट होने की। पंजाब की टीम इस सीजन टॉप 3 खास करके केएल राहुल पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट दिख रही है, जिसकी वजह से जब भी राहुल नहीं चलते तो टीम का बंटा धार हो जाता है। और यही पिछले कुछ और सीजन्स में भी देखने को मिला है। केकेआर के खिलाफ पावर प्ले में धीमी शुरुआत। केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद की विकेट पर बैटिंग करना इतना आसान नहीं था, मानते हैं, लेकिन कप्तान केएल राहुल ने खुद माना कि इस विकेट पर हम 20-30 रन और बनाते तो कहानी कुछ और हो सकती थी। पावर प्ले में पंजाब की टीम ने महज 37 रन बनाए और 1 विकेट भी गवाया। केएल राहुल ने 20 गेंदों में 19, जबकि मयंक ने 16 गेंदों में 16 रन बनाए। इस दौरान पावर प्ले में इस तरह की शुरुआत के बाद टीम को पूरी पारी में कहीं भी मोमेंटम नहीं मिला। पावर प्ले में राहुल और मयंक दोनों की धीमी बैटिंग टीम के आड़े आ गई। फ्लॉप मिडिल ऑर्डर। चलिए पावर प्ले में रन बनाना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी टीम के पास 9 विकेट बाकी थे, तब भी पंजाब किंग्स के किसी प्लेयर की नहीं चली। केकेआर के खिलाफ ही क्या, बीते सारे मैचेस में भी राहुल, मयंक, गेल के जाने के बाद बाकी बैट्समैन मुश्किल में दिख रहे हैं। केकेआर के खिलाफ तो मिडिल में हुडा ने 1, पूरन ने 19, हेनरिकस ने 2 और शाहरुख खान ने 13 रन बनाए। यानी मिडिल ऑर्डर के इन स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों ने टॉप ऑर्डर के जाने के बाद कुल 35 रन ही जमा किए। ये तो भला हो क्रिस जॉर्डन का, जो उन्होंने 18 गेंदों पर 30 रन बना दिए, वरना मिडिल ऑर्डर के आसार तो देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टीम इस बार 100 के पार भी जा पाएगी। हमें लगता है कि अगर पंजाब अपनी बैटिंग की इन परेशानियों को दूर कर ले तो फिर ये टीम इस आईपीएल वापसी कर सकती है। और इस बीच निवेश करना हुआ आसान। 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप डाउनलोड करके। अब कुछ बात एक्स्ट्रा इनकम की करते हैं। 5paisa ऐप डाउनलोड कर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ और गोल्ड में। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। कैमरे के पीछे राशिद और मैं मेघा। आप देखते रहिए डीलर लर्न टॉक।